मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मनिहारी थाना के मनिहारी मिश्रा टोला की है। बाइक सवार अपराधियों ने ऑटो पैसेंजर से लूटपाट के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और मुआवजे तथा अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने NH 8 और महुआ रोड को काफ़ी देर तक जाम कर प्रदर्शन करने लगे। वहीं मौके पर पहुंचे DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और मामले की छानबीन में जुट गई। हमारे मांगे जो कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन जो काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 5 बजे के लिए दौड़ते हैं, आज क्या हुआ था, आज कहाँ थी, वर्तमान में क्या डिमांड क्या है? डिमांड क्या है सर? डिमांड वही होगा जो यहाँ जो पहले फैसला होगा कि जो जब हम लोग प्रशासन के सामने सुरक्षित नहीं है तो अभी इसके बाद क्या होगा? हम लोग सुरक्षित कहाँ है, कहीं से हम लोग सुरक्षित? आज देखिए सुबह ऑटो चालक है, उसका कुछ यात्री बैठा हुआ था, उसमें अज्ञात अपराध कर्मी पीछे से मोटरसाइकिल से लेकर के आ रहा था और वो ओवरटेक करके उसको गोली मार दिया ड्राइवर का। ऑटो चालक चूँकि यहीं पर गोली लगने से गिरे हुए थे, गिरे अवस्था में उनको समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और पब्लिक उनको सपोर्ट यदि करती तो शायद उनकी ज़िंदगी बच सकती थी। उनके बाँह में गोली लगी थी, एक्सेस ब्लडिंग होने कारण से उसकी मृत्यु ऑन स्पॉट हो गया है। उसी कारण से वो लोग आक्रोशित थे कि यहाँ पर महज NH रोड है, इस पर 5 बजे सुबह घटना घट रही है। आक्रोशित थे लोग, उस पर काफ़ी देर तक इन्होंने रोड को भी कुछ देर तक जाम कर रखा था। हम लोगों ने आकर के और जनप्रतिनिधि यहाँ के काफ़ी सक्रिय रहे, सक्रिय होकर के हम लोगों ने इसका जाम फिलहाल हटा हुआ है और जो डेड बॉडी था उसका पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने भेज दिया है। जो आगे की कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, सारा कार्रवाई की जाएगी।